इंडिया मार्केट डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे यहाँ पे हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आप लोन ऐप्स का पेमेंट या फिर किसी भी अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते हो, या फिर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर क्यों ना हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, फ्यूचर में यहाँ पे क्या हो सकता है। और यहाँ पे हम लोन ऐप्स के पेमेंट की भी बात करने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पे इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या ये लोन ऐप्स वाले की हम कॉन्टैक्ट लिस्ट हटा सकते हैं, उनके सर्वर से नहीं हटा सकते, क्या ऐसा पॉसिबल है, इस बारे में भी वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक होती है वो चैनल सब्सक्राइब करती नहीं है, इस वजह से उनको अपडेट्स मिल नहीं पाती, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह यहाँ पे मिलता रहे। यहाँ पे कि क्या आप जो है अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको हटा सकते हो, किसी भी जो ऐप्स के पास चले गए हमारे कॉन्टैक्ट्स, या नहीं हटा सकते हो तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ें बोलना चाहूँगा, बहुत सारे इशूज़ हैं। सबसे पहला है कि बहुत लोगों ने मेरे को बताया है कि हम कॉन्टैक्ट को मैस कर सकते हैं। मैस करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उसमें एक नया कॉन्टैक्ट सेव करो जो कि फर्जी नंबर से हो, लेकिन वो आपके फैमिली वालों के नाम से या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड हो, जैसे फादर्स नंबर, मदर्स नंबर, इस तरह का फर्जी नंबर से सेव कर लो, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल नंबर है उनको डिलीट करते जाओ धीरे धीरे। ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या कहा? एक तो ये होता है उससे नंबर मैस हो जाते हैं, ठीक है, तो कितना रियल है वो नहीं बता सकता। सेकंड यहाँ पे चीज़ आती है कि अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले परमिशंस को डिसेबल करो, उसके बाद क्या करो, सबसे पहले आपको जाना है, पहले अपने कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करना है पूरे भी, फिर जाना है आपको गूगल में, साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा गूगल जीमेल पे, गूगल जीमेल ओपन करने के बाद सबसे आपको लेफ्ट में ओपन करना है, वहाँ से सबसे नीचे जाना है कॉन्टैक्ट्स में। उस कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद आपको सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके सर मेल आईडी पे होंगे। वो जो कॉन्टैक्ट्स जो मेल आईडी में हैं आपके, उसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है, ऑल डिलीट करना है, और साइड में एक ऑप्शंस होगा फिक्स करके होगा, फिक्स एंड मिक्स करके होगा, उस पर क्लिक कर रहा है। उसमें साथ ही साथ दोस्तों आपको बैकअप्स दिखेंगे और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स नंबर दिखेंगे, तो उनको आपको सबको डिसमिस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, सबको डिसमिस कर देना है। उससे होगा क्या दोस्तों, अगर उनके पास उनके सर्वर में ही ऑनलाइन ही है कॉन्टैक्ट्स, तो उस केस में हो सकता है कि वो कॉन्टैक्ट्स वहीं पर डिलीट हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर उन्होंने क्या करा है, उसको ऑफलाइन में मोड पे ले लिया है या फिर उसको डाउनलोडिंग कर लिया है, तो उस केस में हम वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, अगर आप कोई यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करते हो, ओनली यूट्यूब में ही डाउनलोड करते हो, ऑफलाइन मोड में नहीं करते हो, तो अगर आप यूट्यूब में ही वीडियो डाउनलोड कर लोगे और उसके बाद जो क्रिएटर अगर वो इस वीडियो को हटा देगा, तो आपके यूट्यूब सेक्शन में वो वीडियो नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन इसे कर लोगे, जैसे एक नॉर्मल MP4 वीडियोज होता है, ऑफलाइन कर लोगे तो उस केस में वो वीडियोस दिखेगा। तो इसी तरह इसमें भी होता है दोस्तों, अगर उनके सर्वर में ही होगा दोस्तों, अगर उन्होंने अभी तक अपने पास ऑफलाइन नहीं रखा होगा, उस केस में आपका कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियोज़ में अपने यही चीज़ बताई है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप उनसे फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लेते हो तो आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट जा रहा है ओरिजिनल, वो उसमें रिस्क है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का वो मिसयूज़ कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे 100% ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉन्टैक्ट्स जो है वो हट जाएंगे, ऐसा 100% नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर हम यहाँ पे लोन ऐप्स की मतलब लोन की पेमेंट नहीं करते। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, अगर आपका कोई बड़ा लोन भी है तो उसके लिए बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लोन ऐप्स की यहाँ पे क्वेश्चन है ज़्यादातर जो पूछा जाता है, कैन यू गो टू जेल फॉर नॉट पेइंग अ लोन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कैन यू गो टू जेल फॉर नॉट पेइंग अ लोन। तो इसका मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे लेंडिंग ट्री का कहना है यहाँ पे इसमें, जो कि एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें लिखा है यू कैन नॉट गो टू जेल फॉर नॉट रिपेइंग अ लोन। आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, नो क्रेडिटर और कंज्यूमर डेप्ट इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, मेडिकल डेप्ट, पेडे लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्गेज लोन, स्टूडेंट्स लोन, कैन फोर्स यू गेट टू अरेस्ट जेल और पुट एनी काइंड ऑफ कोर्ट ऑर्डर कम्युनिटी सर्विस। इफ यू गेट शूड फॉर द अनपेड डेप्ट, यू विल बी एंड अप इन सिविल कोर्ट। ओके, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, आप इनमें से किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड लोन लिए हो, स्टूडेंट लोन लिए हो, पेडे लोन लिए हो, मेडिकल लोन लिए हो, या फिर क्रेडिट कार्ड लोन लिए हो, तो मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है,
आपको मैक्सिमम सिविल कोर्ट में यहाँ पे केस फाइल करा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, वहाँ पे भी आपसे बस पूछा जाएगा रीजंस किस वजह से नहीं कर रहे हो। अगर आपका रीजन जेन्युइन वाकई में, अगर आपकी जॉब नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपकी बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब तो उस केस में आपकी पूरी सुनी जाएगी, उस केस में कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ होगी, आपका सिविल जो है वो डाउन हो जाएगा दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये केस जो होते हैं, सारी चीज़ें होती है विलफुल डिफॉल्टर के केस में। ये विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है दोस्तों, जिसके पास होते हुए भी वो पेड नहीं करता, उसको कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, मतलब अपने इच्छा अनुसार वो पे नहीं करना। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो आपको यहाँ पे कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों। तीसरी चीज़ है कि अगर कंपनी वाले गलत मेथड अपनाते हैं रिकवरी का, जैसे बहुत बैंक वाले गलत मेथड अपनाते हैं रिकवरी का, तो आप जा सकते हो यहाँ पे बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट में, जो कि RBI के थ्रू है, RBI में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अगर आपके साथ कर्सिव मेथड अपनाई जा रही है, तो उन्होंने एक पोर्टल दे रखा है कंप्लेंट का, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया है कि ये करने पे क्या होता है। अब दूसरा आता है दोस्तों, क्रिमिनल केस कब बनता है। क्रिमिनल केस बनता है जब आपने किसी को चेक दिया हो, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, और 30 दिन के अंदर अगर अगर वो फेल्ड हो जाता है और उसके बाद नोटिस जाते हैं, उसका रिप्लाई नहीं देता, तो उस केस में सेक्शन 138 के थ्रू आप जो है क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो जिसने वो चेक दिया था। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है अनसिक्योर्ड लोन का जो केस है, या फिर पर्सनल लोन, पेडे लोन, इस तरीके जो केस है, तो उसमें यहाँ पे मैक्सिमम सिविल फाइल ही होता है ओनली, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन लोन ऐप्स की। लोन ऐप्स जो कर्सिव लोन ऐप्स है, जो ऐसे मेथड अपनाती है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाती है, कॉन्टैक्ट्स में कॉल करती है, वो टोटली ही फर्जी होती है, फ्रॉड होती है दोस्तों। कि गलत मैसेज अपनाती है, किसी भी नाम, किसी के भी नाम की नोटिस आपको दे देती हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो जो है CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, किसी के नाम के भी जो नोटिस बना के दे देते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल करके हैरासमेंट करते हैं, या फिर आपके ग्रुप्स बनाते हैं व्हाट्सएप, वो टोटली फ्रॉड है। इनका अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, तो कॉल मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ये मैंने पहले ही बता रखा है। लेकिन आपको मैं एक सीधे वे में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने रिसर्च करी इसके इस बारे में। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने पास सारे प्रूफ्स रखने होंगे, उनके हैरासमेंट के सारी चीज़ें डिटेल्स होंगी, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें रहे, वजह क्या थी जिसके वजह से हमने ये नहीं करा, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इनके खिलाफ एक्शन जो है वो प्रॉपरली लिया जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप लोगों जो है वो अवेयर हो चुके हैं इन लोन ऐप्स के खिलाफ, बिकॉज अब इन लोन ऐप्स को इनकी NBFC द्वारा भी सस्पेंड करा जा रहा है। लेकिन अभी भी ये लोन ऐप्स रिकवरी कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोन ऐप्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है अब एम्प्लॉय को डाटा दे दिया है, और वो घर से जो है रिकवरी कर रहे हैं, पर्सनल जो है अकाउंट नंबर में जो है पैसे रिकवर कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, मतलब पूरे डेटा का हमारे मिस यूज़ करा जा रहा है इन लोन ऐप्स के थ्रू, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आपको ऐसी के कंप्लेन करनी चाहिए, आप सचेत पोर्टल में कर सकते हो, RBI को मेल लिख सकते हो, ट्विटर में कर सकते हो, और यहाँ पे आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कर सकते हो कंप्लेंट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट करनी है, उनकी कॉपी रखनी है, और यहाँ पे साइबर क्राइम में बहुत इजी है कंप्लेंट करना, मैंने 2 वीडियोज़ भी बनाए, तो वीडियोज़ जाके देख सकते हो। कंप्लेंट ज़रूर करो, उनकी कॉपी रखो, ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो तो ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को ना मिले। आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता लोन ऐप्स के केस में, मैंने आपको बता दिया है। एट द एंड बस आपका यहाँ पे सिविल डाउन ज़रूर हो सकता है, और सिविल को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो पहली बात तो आप इन लोन ऐप्स से बचें, इन लोन ऐप्स से कभी भी डेप्ट ना लें, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो, तब आप एक दूसरा अल्टरनेटिव देख सकते हैं, लेकिन ऐसे लोन ऐप्स के ट्रैप में ना फंसे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए थे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या कहना है इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट।